आने वाले भारत की जरूरत, जो आज भी हमारे भारत में गर्मियों के सीजन में अनेकों स्थानों पर टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलती है कि पानी के लिए लोगों का किस तरह से एकत्रित होकर दूर दूर से पानी लाना, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि आने वाले भारत की सबसे बड़ी जरूरत अगर अपने देश की आने वाली है तो वो पानी है, पीने का पानी। और उसके लिए धन्यवाद भी कहूँगा माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर और इस विधेयक को आज इस लोकसभा पटल पर रखा, जिसमें आने वाले समय में पूरे भारत के लोगों को समान दृष्टि से पीने का पानी मिले। इसके लिए मैं आप सबसे माननीय मंत्री जी से ये भी कहूँगा कि जिसमें 10 मीटर से ज़्यादा की हाइट के डैम लिए हैं इसके अंदर, मैं कहना चाहूँगा कि हर वो डैम इसके अंतर्गत हो और केंद्र सरकार उन हर डैम के जो उसके अंदर पानी आता है उसकी व्यवस्था सही है कि नहीं, उसके अंदर जो सिल्ट जमा होती है, क्योंकि अलवर के आसपास में चिल्ली सेठ डैम है, जयसमंद है, प्रताप बांध है, बालेटा डैम है, विजय मंदिर है, और जब से मैं उस क्षेत्र में जाता आता हूँ तब से मुझे ये ज्ञात हुआ कि उसके अंदर बहुत काफ़ी मात्रा में सिल्ट जमा है, और सिल्ट जमा होने के कारण पानी जो भूजल स्तर है उसको बढ़ोतरी में रुकावट पैदा होती है, तो समय समय पर उनकी सिल्ट को बाहर निकालने का भी प्रावधान रहे ताकि राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक उचित बजट उसको सिल्ट निकालने के लिए भी उपयोग में आए। उसके साथ साथ जो डैमों के आसपास की जगह है, जिस तरह से हम देखते हैं कि डैमों के आसपास की जगह किसानों की है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस डैम में जितना भी जल भराव का क्षेत्र हो उन किसानों को अलग कई स्थान पर जमीन देकर और उस डैम की पूरी जमीन को पानी के भराव के लिए काम आए। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी डैम हमारे देश में अब तक हैं ये हमारे पूर्व के बने हुए डैम हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत की जिस प्रकार से जरूरत है पानी की, उस प्रकार उसको देखते हुए आने वाले समय में और भविष्य में कहाँ का हम डैम बना सकते हैं, उसके लिए भी एक आयोग बने, उसके लिए भी एक कमेटी बने जो इस ऐसा सर्वे पूरे भारत में करे, जो कि कहाँ नया डैम बन सकता हो, जहाँ पानी एकत्रित हो सकता हो, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जल से नल से जल की योजना हमारे देश में लागू होनी है उसके लिए ये सभा के अंदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पे बोलने का के लिए समय दिया। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं जो आप